एंड वेलकम टू द चैनल। आज है हम मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में, जहाँ पर काफी सारे साइंस रिलेटेड एग्जिबिट्स है, दो तीन शोज भी होते हैं। पास में एक नेहरू प्लैनेटोरियम भी है जहाँ पर मूवी दिखाई जाती है, और उसके पास में एक हिस्ट्री म्यूजियम भी है। आज हम ये सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो लेट्स गो स्टार्ट। नेहरू साइंस सेंटर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरैक्टिव साइंस सेंटर इन इंडिया। ये मुंबई के वर्ली एरिया में सिचुएटेड है, और यहाँ आने के लिए सबसे नियर बाय स्टेशन महालक्ष्मी और बाइकुला का है। अगर आप बाय कार यहाँ आते हैं तो पार्किंग भी अवेलेबल है। साइंस सेंटर विजिट करने का टिकट कॉस्ट है 70 रुपीज। हमने एक कंबाइंड टिकट ली थी जिसमें 3D शो और SOS शो की टिकट भी इंक्लूडेड थी। कंबाइंड टिकट का कॉस्ट है 100 रुपीज। अगर आप सिर्फ 3D शो या सिर्फ SOS शो देखना चाहते हैं तो इन दोनों की इंडिविजुअल टिकट का कॉस्ट है 30 रुपीज। यहाँ पर फैमिली टिकट्स और ग्रुप टिकट्स का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक साइंस ओडेसी शो भी होता है, जिसका टिकट प्राइस है 80 रुपीज। ब्रीफली, अगर आप अकेले आते हैं तो टिकट का कॉस्ट 180 रुपीज होगा, जिसमें यहाँ के सारे शोज और साइंस सेंटर की एंट्री कवर हो जाएगी। साइंस सेंटर के बाहर काफी सारे फन एंड इंटरैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें आप अपना साइंस नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। साइंस सेंटर में एंटर होते ही आपको एक रिसेप्शन दिखेगा, जहां जाकर आप SOS शो और 3D शो के टाइमिंग्स पता कर सकते हैं। शो चालू हो तब तक आप यहां की गैलरीज में साइंस एग्जिबिट्स देख सकते हैं। रिसेप्शन के राइट साइड में जो गैलरीज हैं, वो अभी रिसेंटली ही ओपन हुई है, तो सबसे पहले आप वहां जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी गैलरीज देखने मिलेंगी, और SOS शो भी यहीं पर होता है। रिसेप्शन के लेफ्ट साइड में ये सारी गैलरीज है, और यहीं पर 3D शो भी होता है। साइंस ओडिसी का शो साइंस सेंटर के बाहर है, और आपके शो का टाइम टिकट पर मेंशन होगा। ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का शो है, जिसमें ह्यूमंस के स्पेस ट्रैवल की हिस्ट्री के बारे में नरेटेड स्टोरी है। हम वो मानव प्रजाति हैं जो ऐसे यान बनाते हैं जो हमें ब्रह्मांड में अज्ञात स्थानों तक ले जाते हैं। अब
अंतरिक्ष में चलने वाले दूसरे यानों को इसके माध्यम से ठीक किया और बदला भी। साइंस सेंटर में एक कैंटीन भी है जहां पर आप लंच कर सकते हैं। हमने पाव भाजी और चाइनीज ट्राई किया था। वी वुड से पाव भाजी वाज बेटर देन चाइनीज प्लेटर। इनका पर प्लेट कॉस्ट वाज अराउंड 150 रुपीस ईच। यहां पर लंच थाली भी मिलती है और साथ में बेवरेजेस और पैक स्नैक्स का भी ऑप्शन है। हम लोग अराउंड 10 बजे यहां पहुंच गए थे और 2 बजे तक सब देखने के बाद वी वेंट टू नेहरू प्लैनेटोरियम। ये साइंस सेंटर से अराउंड 3 किलोमीटर्स दूर है, तो आप यहाँ टैक्सी या कैब से पहुंच सकते हैं। प्लैनेटोरियम में शो के टाइमिंग्स कुछ इस तरह है। 3 बजे का 150 रुपीस का टिकट ले लिया हमने। यहाँ पर शो से पहले भी प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जो हम देख सकते हैं। स्टडी ऑफ आर यूनिवर्स, प्लेसमेंट्स ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और बाकी बहुत सारी अनफेमिलियर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर सिस्टम आपको इस शो में जानने मिलेगी। शो के बाद हमें भूख लग गई तो हम और खाना ढूंढने चले गए। यहाँ पर एक छोटा सा फूड काउंटर है जहाँ से हमने स्नैक्स ले लिए। अराउंड 4:30 वी वेंट टू सी हिस्ट्री म्यूजियम जो यहाँ से बस 100 मीटर्स दूर है। वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो वी कुडंट गेट मच वीडियोस। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद है तो जा सकते हैं। इन आवर ओपिनियन साइंस सेंटर एंड प्लैनेटोरियम देखने के बाद यू कैन स्किप हिस्ट्री म्यूजियम इफ यू वांट टू। तो ये था आज का वीडियो। हमने नेहरू साइंस सेंटर देख लिया, नेहरू प्लैनेटोरियम भी देख लिया और नेहरू सेंटर भी घूम लिया। बच्चों को जरूर लेके आए बिकॉज उन्हें बहुत पसंद आने वाली यहाँ पे जो साइंस एग्जिबिट्स है वो। लेकिन अगर आपको भी साइंस में इंटरेस्ट है तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। वी वुड रेकमेंड कि आप नेहरू साइंस सेंटर से चालू करें एंड हो सके उतना जल्दी चालू करें बिकॉज 5-6 घंटे आराम से लग जाएंगे सब कुछ देखने में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। बाय बाय।